नहीं चले जाओगे अपना ट्रांसफर कराकर, हम छोड़ेंगे नहीं, खदेड़ के मारेंगे। बजरंग दल पूरे देश में है। यूपी के फतेहपुर जिले में आज बीएचपी के बैनर तले हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू महापंचायत कर अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। बीएचपी के प्रांतीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय का आरोप है कि मलवा में सरकारी जमीन पर मदीना मस्जिद और मदरसा बनाया गया है। जमीन को लेकर हिंदू संगठन पिछले 19 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई साल 2005 से चल रही है। जिला प्रशासन को लगातार ज्ञापन दिया गया और जांच के नाम पर उनकी ही लाहवाली चलती रही। उन्होंने कहा कि मलवा में बनी मदीना मस्जिद तालाबी और उसर भूमि पर बनी है, जो कि नियम विरुद्ध है। विहिप नेता कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में है। अगर कोई मंदिर या मस्जिद गलत इरादे अथवा गलत जगह पर बनाई गई है तो उसको हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हिंदू महापंचायत के बीच पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हिंदूवादी नेता के मुताबिक प्रशासन ने एक महीने के अंदर मस्जिद मदरसे को गिराने का आश्वासन दिया। वहीं मदीना मस्जिद की जमीन को लेकर हो रहे विवाद पर मस्जिद कमेटी के सदस्य छेदी अली कहते हैं कि साल 1976 में ग्राम प्रधान ने मस्जिद के नाम पर तीन विश्वास मलवा क्षेत्र में थाने के एकदम पीछे तालाबी नंबर बंजर की भूमि अर्थात सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी मस्जिद और मदरसे को लेकर के 8 जुलाई को जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था कि इसकी निगरानी हो, इसकी जांच करा करके अगर ये गलत है तो निश्चित रूप से गिराना चाहिए। प्रशासन ने आश्वासन तो दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 4-5 दिन के पश्चात फिर मिले लेकिन उसमें भी कार्रवाई का ही आश्वासन मिला। तब जाकर के बाध्य होकर के 21 जुलाई को की तिथि निर्धारित करते हुए हिंदू महापंचायत का आह्वान किया गया, जो आज हुई, जिसमें जिलाधिकारी कल से परेशान था कि वार्ता के लिए, जो आज 10 बजे से लेकर के लगभग 1.25 घंटे तक की वार्ता में ये कहा गया जिला प्रशासन के उच्चस्थ अधिकारी पुलिस अधीक्षक और DM देखिए हम इसको अतिशीघ्र, मैंने कहा आप अतिशीघ्र नहीं समय बताइए, उन्होंने कहा 1 महीने में हम इसकी विधिवत विधिक कार्रवाई करते हुए इसको हम समाप्त करेंगे और पुनः तालाब का और बंजर भूमि का स्वरूप देंगे। इसके बाद भी मैंने कहा हिंदू समाज को जागृत करना और पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम है हम उसको बदल नहीं सकते। आज कार्यक्रम हुआ मलवा के क्षेत्र में, जिसमें हजारों बजरंगियों ने हिस्सेदारी किया, क्षेत्र के आम जनमानस सनातन धर्मावलंबी भी आए और ये आह्वान किया गया कि ये आंदोलन का प्रथम चक्र है, अगर हमारी मांगे जायज मांगे हमारी हैं पूरी नहीं होती है तो प्रचंड आंदोलन इससे भी बड़ा छेड़ेंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।